यार यहाँ तीन दोस्तों की कहानी है जो मिल जाते हैं, और उनमें एक निग्रो भी है और जो कि पंजाबी बोलता है क्योंकि वो कीनिया में काम करता था। तो तीनों में दोस्ती है, तीनों इकट्ठे रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं वैनकूवर में, अमीर होने के लिए गए हैं वैनकूवर और गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं, और फिर उनमें से एक को समझ में आता है कि गलत तरीके से पैसा कमाना पाप है, तो वो उसकी कॉन्शियंस जागती है और दूसरे दोनों भी उसे फॉलो करते हैं। मेरा कैरेक्टर एक ईमानदार बिजनेसमैन का है और मैं भूमिका का पिता जैसा हूँ, उसका असली बाप नहीं हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी है वो, और दोस्त की मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में, तो मैं ही उसे पाल पोस कर बड़ा करता हूँ। जब भी वो किसी मुसीबत में होती है तो उसकी हिफाजत करता हूँ। कुछ मैनेज करने की बात नहीं है, पंजाबी मेरी मातृभाषा है, उसमें मैनेज क्या करना है? जी बहुत अच्छी होगी, बहुत बड़ी फिल्म है ये, बहुत अच्छे से माउंट हुई है, वैनकूवर में अच्छी अच्छी लोकेशंस पे शूटिंग की है, कहानी बहुत अच्छी है और फ्रेश है कहानी, और बहुत खर्चा किया है प्रोड्यूसर ने, बहुत प्यार से फिल्म बनाई है और ऑडियंस बहुत है, पंजाब पूरा है, फिर इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है। म्यूज़िक पंजाबी म्यूज़िक, यारियां वाला गाना। आने वाले प्रोजेक्ट हैं सिंग इज़ किंग, जिसमें अक्षय कुमार हैं और रनीस बज़मी डायरेक्टर हैं, कतरीना कैफ भी हैं और भी बहुत से लोग हैं, और प्रियदर्शन की फिल्म है मेरे बाप पहले आप, और राकेश मेहरा की दिल्ली 6 और चल चला चल गोविंदा के साथ है, तो ये सब फिल्में और भी